जनपद मैनपुरी बीजेपी कार्यालय पहुंची राज्यसभा सांसद ने जिले के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की। इसके उपरांत बीजेपी कार्यालय पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर दिए गए बजट को लेकर कहा, यह बजट सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विभाग के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय में जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने विजन के अनुरूप यह बजट गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के हितों को पूर्ति करने वाला बजट बनाया है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष अपनी सरकार को याद करें, उन्होंने क्या किया है। सदन में जिस तरीके से चर्चा और व्यवहार कर रहा है, वह जनता देख रही है किस तरह का व्यवहार कर रही है। मुख्यमंत्री जी समाज के लिए, प्रदेश के लिए जी रहे हैं, प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जोड़ने का काम करते हैं, किसी जाति, धर्म और समुदाय की बात नहीं करते। आप देखिए, चाहे तीन तलाक की बात हो तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि मुस्लिम समाज समुदाय की महिलाएं, उन्होंने सोचा चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, पर वह महिला है, हमारी बेटी है, बहन है, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तीन तलाक का कानून बनाकर साबित कर दिया है कि वह सभी के हितैषी हैं, सभी के लिए काम करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका कार्ड भी बनवाया जाता है कि परिवार में अगर जो कोई बीमारी हो तो 5 लाख तक का इलाज भी सरकार फ्री करा रही है। और यहीं तक नहीं, उनका फ्री कनेक्शन विद्युत का भी कराया जा रहा है। आपने देखा सुमंगला कन्या योजना के तहत, आपने देखा कि मैं महिलाओं पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आजाद भारत के बाद महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को और बेटियों को सम्मान के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी के हर योजना से, मैं तो गांव में देखती हूँ, जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं खुश हैं, बेटियां खुश हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बेटियां घर से निकलती थी हमारी सरकार के पहले, समाजवादी पार्टी की सरकार, और आज मैं मैनपुरी में बैठी, यहाँ तो मैनपुरी में तो जिस तरीके अत्याचार दुराचार हुआ कहीं छिपा नहीं किसी से। तो जब बेटियां सुबह घर से निकलती थी शौच क्रिया के लिए तो कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार दुराचार किया जाता था। सुबह हम लोग जब निकल के सुबह दिनचर्या के बाद अखबार पकड़ते थे तो निश्चित तौर से फर्स्ट फ्रंट पर बेटियों के साथ अत्याचार की पहली सूचना पड़ती थी, तो बड़ा वेदना होती थी, कष्ट होता था कि देश तो आजाद हो गया पर हमारे देश की बेटियां और महिलाएं कब आजाद होंगी। पर प्रधानमंत्री जी ने श्रेष्ठ भारत ये जोड़ने की बात तो उन लोगों ने की है कि 2005 मैंने देखा स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, तोड़ने की बात की, जोड़ने की कहां बात। हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जोड़ने का काम किसी जात धर्म समुदाय का नहीं। आप देखिए, चाहे तीन तलाक की बात आई तो उन्होंने ये नहीं सोचा ये मुस्लिम धर्म की बहनें, उन्होंने सोचा चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, पर वो महिला है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने ये तीन तलाक का कानून बना के ये साबित कर दिया कि वो सभी के हितैषी हैं, सभी के लिए काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत